नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे जेई की तैयारी जो है तैयारी जीत के चैनल पर रेगुलर बेसिस पे कराई जाएगी। उसी क्रम में ये दूसरा वीडियो है। आज 40 प्रश्न हैं और एमसीक्यू के फॉर्म में हैं। आपका ये एक तरह से टेस्ट भी है लाइफ साइंस का। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें, ठीक है। पहला प्रश्न जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है। चार ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से चूज कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए, तिरुवनंतपुरम में। जी हाँ, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। अगला प्रश्न है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? सही जवाब है माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, सिक्कों का अध्ययन। इस प्रश्न को ध्यान से देखें, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? कुछ सेकंड है आपके पास सोचने के लिए। सही जवाब है तीसरे प्रश्न का ऑप्शन डी, न्यूमिस्मैटिक, ठीक है, न्यूमिस्मैटिक। अगला प्रश्न देखते हैं, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है हैदराबाद। जी हाँ, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है कहाँ पर? पांचवे का सही जवाब है हैदराबाद, हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से सुने, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। छठे का सही जवाब है ऑप्शन डी, लीनियस को। आधुनिक वर्गीकरण का पिता लीनियस को कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? सातवें का सही जवाब है ऑप्शन सी, साइटोलॉजी। जी हाँ, साइटोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? सही जवाब है आठवें का ऑप्शन बी, स्लाइडेन एवं स्वान। जबकि वाटसन और क्रिक जो है वो डीएनए संरचना से संबंधित हैं, आपको पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है, डीएनए संरचना मॉडल से कौन संबंधित है? वाटसन और क्रिक। और कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन से कौन संबंधित है? स्लाइडेन एवं स्वान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवाल जो कि समुद्रों में दिखाई पड़ते हैं, आयोडीन के प्रचुर मात्रा में जो है स्रोत होते हैं। सही जवाब क्या है? शैवालों का अध्ययन कहलाता है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नौवे का सही जवाब है ऑप्शन ए, फाइटोलॉजी। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को देखिए जरा ध्यान से, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके देहरादून, पुणे, नासिक, लखनऊ। सही जवाब क्या होगा? दसवें का सही जवाब है ऑप्शन बी, पुणे। पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और प्रैक्टिस के लिए जो है सेम ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे,
मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, मद्रास। पता है आपको? 11वें का सही जवाब है ऑप्शन बी, दिल्ली। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है किससे? बेहतरीन प्रश्न है ये। पीसी कल्चर, एपिकल्चर, सेरिकल्चर, विटिकल्चर। कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि खट्टे फलों की खेती किससे संबंधित है? खट्टे फलों से कौन संबंधित है, या फिर अंगूरों के उत्पादन से कौन संबंधित है? इस तरह के प्रश्न हमें देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? 12वें का सही जवाब है विटिकल्चर। अब यहाँ पर इस प्रश्न में यही नहीं रुकना है, आपको बाकी तीन का भी पता होना चाहिए। पीसी कल्चर, पीसी कल्चर यानी के मछली उत्पादन, मछली उत्पादन। एपिकल्चर मधुमक्खियों से संबंधित है, मधुमक्खियों से। विटिकल्चर खट्टे फलों से और अंगूर की खेती से। सेरिकल्चर रेशम के जो कीड़े होते हैं उनके पालन से संबंधित है सेरिकल्चर, रेशम। तो ये प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको चारों के बारे में पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? 13वां प्रश्न सही जवाब है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, ऑप्शन बी, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? रांची, राजमुंद्री, इज्जत नगर, कोयम्बटूर। सही जवाब है 14वें का ऑप्शन सी, इज्जत नगर। नेक्स्ट प्रश्न, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ऑप्टिक्स, सिस्मोलॉजी। यहाँ पर भी दो प्रश्न महत्वपूर्ण निकल के आ रहे हैं सामने। पहले तो इस प्रश्न का जवाब जो है सोचिए क्या होगा। सही जवाब है 15वें का ऑप्शन बी, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखिए, सिस्मोलॉजी जो है दिखाया हुआ है, सिस्मोलॉजी ये किसका अध्ययन है? ये अध्ययन है भूकंपीय तरंगों का। ठीक है, भूकंपीय तरंगों के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है, और रिक्टर स्केल भूकंपीय तरंगों से ही संबंधित स्केल है मापने हेतु भूकंप की तीव्रता। आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? 16वें का सही जवाब है ऑप्शन डी, गुजरात के गांधीनगर। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? 17वें का सही जवाब है ऑप्शन ए, हरियाणा का करनाल। अगला प्रश्न है, वायरस के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहाँ अवस्थित है? सही जवाब है ट्रांबे। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर ये कहाँ पे अवस्थित है? गुड़गांव में, हरियाणा के गुड़गांव में। सौर ऊर्जा केंद्र भी, उसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में, और गुड़गांव को ही गुरुग्राम कहा जाता है वर्तमान में, ये आपको पता होना चाहिए। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? सही जवाब है पैथोलॉजी। अगला प्रश्न देखते हैं, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा
क्या कहलाती है? कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? 22वें का सही जवाब है ऑप्शन ए, एंटोमोलॉजी। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? 23वें का सही जवाब है ऑप्शन बी, लेमार्क एवं ट्रेवीरेनस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब है हिप्पोक्रेट्स। 24वें का ऑप्शन बी, हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी की जो बीमारी होती है, ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? 25वें का सही जवाब क्या होगा? 25वें का सही जवाब है ऑप्शन सी, चेन्नई। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? 26वें का सही जवाब है ऑप्शन ए, इंदौर। मधुमक्खियों का पालन, मैंने बताया है ये आपको, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर जो है बागानी से संबंधित है, ठीक है। सेरिकल्चर मैंने आपको बता दिया है, रेशम के कीटों के पालन से संबंधित है। देखिए ये क्वेश्चन आ गया है, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? बताया ही था थोड़ी देर पहले मैंने आपको, सिस्मोलॉजी, ठीक है। तो गलत नहीं होना चाहिए था, ये आपको पता ही होना चाहिए था। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन है स्क्रीन पर, 29वें का सही जवाब है ऑप्शन बी, लीनियस को। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? 30वें का सही जवाब है अरस्तु, ऑप्शन ए। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ऑप्शन सी, गुर्दा। होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन सी, मनुष्य का। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन सी, ऑनिरोलॉजी। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए, लखनऊ। फलों का अध्ययन गलत नहीं होना चाहिए। 35वें का सही जवाब है ऑप्शन ए, पोमोलॉजी। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? 36वें का सही जवाब है ऑप्शन बी, एंथ्रोपोलॉजी। इंपॉर्टेंट है, दो बार अब तक पूछा जा चुका है रेलवे में, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? 37वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अस्थियों का, ठीक है, अस्थियों का ऑस्टियोलॉजी, जबकि ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का जो है विज्ञान कहलाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही जवाब है लखनऊ। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? सही जवाब है ऑप्शन सी, कटक। कटक इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, एंटोमोलॉजी। तो आज इस वीडियो में हमने विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण जनकों के बारे में जाना, और कितने क्वेश्चंस के आंसर्स आप करेक्ट जानते थे ये जरूर बताएं। 40वें का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।